फाइनेंस में विनय मंडारी। देखिए अभी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे कल के लिए, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं बन सकती हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय मंडारी, टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ब्लॉग है विनय मंडारी .blogspot.com, फेसबुक पेज है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ट्विटर एंड डेले बाय हेजिंग 9699646408। देखिए मैं आपसे बहुत दिन से कहते हुए आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का टारगेट मेरे को 29,900 लग रहा है और निफ्टी का टारगेट 11,600 के आसपास लग रहा है। और देखो आज दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं, 600 वाला भी और 900 वाला, जो तो 914 से रिवर्स मारा लेकिन एटलीस्ट हमारे टारगेट के पास में आया बैंक निफ्टी। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ये एक मेरे को दिख रहा है बैंक निफ्टी का टारगेट, नीचे के लिए मैं बता रहा हूँ 29,170 के आसपास पकड़िए, 29,200 ये लेवल भी मेरे लिए खुला है अभी, 29,200 के आसपास का लेवल, 29,200 के आसपास भी बैंक निफ्टी आ सकता है। देखिए अभी इसका मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ शॉर्ट सिग्नल मिला कितना अच्छा नीचे दिया, यहाँ पर एक बाय दिया वो भी चला, पैसा दिया है उसने, जो इंट्राडे के ट्रेड्स रहते हैं उसमें पैसा मिला है। यहाँ पर जो शॉर्ट बना है वो अभी तक कंटिन्यू है और नीचे की तरफ ही बना हुआ है अभी तक, तो ऐसा लगता है कि बाजार में करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन बन रहा है। जो मेरे को पहला जो टारगेट मेरे को लग रहा है 29,200 के आसपास का लग रहा है चार्ट देख के। देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको इंट्राडे का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए इंट्राडे का चार्ट देखिए आप, यहाँ शॉर्ट दिया बैंक निफ्टी ने। देखिए हमारे जो सेटअप है ना इंट्राडे का वो कितना अच्छा काम करता है आप ये समझिए, देखिए मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ बाय दिया चला दे दिया इंट्राडे के हिसाब से, यहाँ शॉर्ट दिया नीचे गिरा दे दिया इंट्राडे के हिसाब से, फिर यहाँ बाय दिया चला दे दिया इंट्राडे के हिसाब से। तो इंट्राडे का आप यहाँ पर कहीं भी देख लो पीछे, देखो यहाँ शॉर्ट दिया है, ये शॉर्ट दिया लास्ट में अपना काम करके गया, इधर देखो बाय दिया चला थोड़ा बहुत चला ज्यादा नहीं, ये देखिए यहाँ सेल दिया कितना अच्छा नीचे की तरफ गया। तो इंट्राडे के लिए जो सेटअप है बैंक निफ्टी का हमारा निफ्टी का वो काफी हद तक काम करता है, अच्छा काम करता है, काफी हद तक नहीं बोलूंगा अच्छा काम करता है काफी। डेली चार्ट में मेरे को बैंक निफ्टी खराब दिख रहा है, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी मेरे को खराब दिख रहा है। चलिए चार्ट देख लिया, चार्ट में खराब दिख रहा है, मैंने चार्ट का लेवल निकाल लिए हैं, लेकिन ऑप्शन चेन एनालिसिस जरूर करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए ये हमारा ब्लॉग है, ये ब्लॉग में आपको जो लैंग्वेज आपको आता है वो लैंग्वेज में आप यहाँ पर अपने हिसाब से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे सपोज आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश करके देख सकते हैं, आपको अगर अमेरिकन आती है तो अमेरिकन करके देख लीजिए यहाँ पर, आपको अगर बंगाली आती है तो बंगाली करके देख लीजिए यहाँ पर, तो पूरा बंगाली के हिसाब से देखिए पूरा लिख के आ रहा है। तो आपको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज का आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। ओके तो हमारे ब्लॉग में भी जरूर जुड़िएगा जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें जरूर जुड़िए, हेजिंग स्ट्रेटजीज करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे हेजिंग स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगा, या वीडियो के नीचे भी लिंक दिया रहता है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहता है, वहाँ से भी आप जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, ये ऑप्शन चेन को मैं ले लेता हूँ अपने पेंट में, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन को, 30,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है यहाँ पर, क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, 1,00,000 का राइटर यहीं पर ही है 30,200 पे, ये देखिए ये सब राइटिंग है, 31,000 में कितनी बड़ी राइटिंग है, 1,37,000 30,000 के कॉल में, ओके यहाँ पे क्या है 5,000 29,500 ओके, देखिए बैंक निफ्टी मेरे को
एक बार पुट साइट का डेटा भी एक बार देखते हैं, फिर थोड़ा सा निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, बाय साइट तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फ्रेश बाइंग है सब यहाँ पर, तो अभी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 3 लाख, 2,55,000 और कहाँ है 1,47,000, 1,32। देखिए मैं आपको लंबा व्यू भी दे देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने निकाला है, मेरे को लगता है निफ्टी का जो टारगेट निकाला है, काफ़ी मैंने लंबा व्यू दिया है, इंट्राडे का हिसाब नहीं है, वो सब लंबा व्यू है। और बैंक निफ्टी में जो अभी है 30,187 पे क्लोजिंग दिया है आज बैंक निफ्टी ने। यहाँ से जो मेरे को दिख रहा है, मेरे को बैंक निफ्टी दिखता है ये लेवल 29,200। अभी मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया, 2 मिनट चलते हैं चार्ट की तरफ। देखिए ये जो लेवल मैंने दिखाया आपको 29,200 के आसपास का लेवल है। अब मेरे को ये लेवल दिख रहा है बैंक निफ्टी का 29,200, चार्ट में भी दिख रहा है, और ऑप्शंस का जो डेटा मेरे को बता रहा है वो भी मुझे ऐसा ही दिखा रहा है कि 29,200 के आसपास आना चाहिए। देखिए बीच में कुछ हर्डल रहेंगे इसमें, लेकिन वो क्या है, मेन है 30,000। बस 30,000 अगर ब्रेक होता है, ये अगर ब्रेक हुआ, इसके नीचे अगर स्लिप हुआ बैंक निफ्टी, तो फिर समझो ये लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिए, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं केवल अपनी बात करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं कभी नहीं कहता कि आप जो मैं बोलता हूँ वो करो, आपको जो करना है अपने एडवाइजर लेके करिएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कल भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना पसंद करूँगा, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। टारगेट मेरा ये रहेगा 29,200, ये टारगेट लेके मैं चलूँगा, लेकिन मैं इसमें हमेशा 29,207, 7 मेरा लक्की नंबर है, इसलिए ये मैं इसमें 7 ऐड कर रहा हूँ। ओके, टारगेट आप यही समझिए 200 का, या 207 समझिए। ओके, तो ये मेरा टारगेट रहेगा। अब मैं शॉर्ट करके इतनी देर तक तो वेट नहीं कर सकता कि 1,000 पॉइंट नीचे का मैं वेट करूंगा शॉर्ट करने के बाद, तो मैं क्या करूंगा अपनी पोजीशन को हैज कर लूंगा। और देखो हैज भी मेरा ऐसा हैज रहता है ना कि मेरे को 2,000 से 3,000 का लॉस होगा अगर ये यहाँ से 1,000 2,000 पॉइंट भी ऊपर आ जाएगा तो। मेरी अगर पोजीशन गलत होगी, यहाँ से अगर 1,000 2,000 पॉइंट भी ऊपर हो गया, तो मेरे को एक लॉट के पीछे नुकसान जो होगा 2 से 3 हजार का ही होगा, बस उतना ही रिस्क मेरा रहेगा। और मेरे को प्रॉफिट जो रहेगा, देखो 1,000 पॉइंट नीचे प्रॉफिट मैं अच्छा खासा लेने की कोशिश करूंगा, रिस्क मेरा बहुत कम रहेगा। तो हेजिंग का यही फायदा रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हेजिंग आनी बहुत जरूरी है। आप खुद से सीखना चाहते हैं खुद से सीखिए, मेरे से अगर सीखना है तो मैं भी सिखाता हूँ। 9699 6464 08 मेरा नंबर है, ये नंबर पे कभी भी मेरे को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लेना जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, धन्यवाद।